सबके लिए लेके आई हूँ आज एक नया, बिल्कुल नया रेसिपी है। ये गेहूँ और सूजी से बना हुआ ब्रेकफास्ट का रेसिपी है। ये इसको आप डोसा भी बोल सकते हैं, चिल्ला भी बोल सकते हैं, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। बोलना है, जो बोलना है आपको पसंद है उसको बोलिए, लेकिन ये काफ़ी डिलीशियस टेस्टी होता है। इसको चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसको आप चटनी, ये नारियल का चटनी है, आप किसी भी चटनी से, सॉस से, किसी भी चीज़ से खाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गेहूं का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले इसको, एक कप सूजी ली हूँ मैं, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी कप से मेजरमेंट के लिए 2 कप आटा, 2 कप आटा। इसके बाद इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, आधा ग्लास पानी पहले मैंने ऐड किया, इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे, पानी इसमें अभी और जाएगा, आधा ग्लास पहले मैंने ऐड किया था, इसमें और पानी, आधा ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हम लोग पतला ही रखेंगे। ये बैटर तैयार करने में मैंने 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया हुआ है, इसको पतला रखना है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे कि सूजी तब तक फूल जाए अच्छे से। ये थोड़े से 8-10 लहसुन के कली हैं, इनको फाइन चॉप करना है। ये 2 हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 2 हरी मिर्च है और ये 2 प्याज को भी फाइन चॉप करना है। तो सबको मैं एक साथ इसमें चॉपर में डाल के और चॉप कर ले रही हूँ। ये प्याज, हरी मिर्च और लहसुन सब अच्छे से चॉप हो चुका है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। ये बैटर फूल के रेडी हो चुका है बनाने के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का क्रश किया हुआ ये है, इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा ये है कड़ी पत्ता, ये ऑप्शनल है, आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच तिल है, काला वाला तिल है, आप वाइट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सबको अब हम लोग अच्छे से बैटर के साथ सब्जी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया, चलिए शुरू करते हैं गेहूं का डोसा बनाना। तवे पे 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल लगता नहीं है, और इसको ऐसे फैला देंगे चारों तरफ। नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। तवा हीट हो चुका है, अब इस पे हम लोग घोल का कंसिस्टेंसी इस तरह से होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए। अगर आपको और पानी का ज़रूरत हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस पे तवे पे मैं घोल को फैला रही हूँ, कुछ इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए साइड से चारों तरफ तवे पे फैलाना है घोल को। ये घोल को चारों तरफ मैंने फैला दिया है, मीडियम फ्लेम पे गैस को कर देंगे। देखिए इसको क्रिस्प होने तक सेकना है। ये साइड से अपने से ही ये सब किनारे छोड़ रहे हैं, इनको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, और दूसरे साइड से पकाने का इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी पतला है। देखिए कितने अच्छे से ये सिक चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व करने के लिए ये रेडी है। ये गेहूं और सूजी से बना हुआ ब्रेकफास्ट काफ़ी हेल्दी एंड डिलीशियस है, इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये, और बनाने में बिल्कुल आसान, 10 मिनट में इसको बना के आप रेडी कर सकते हैं। तो इसको घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएँ। तो चलिए मिलते हूँ फिर किसी नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।